देश विच एक बहुत ही अहम घटनाक्रम तहत सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल नामक एक व्यक्ति नू मोदी सरकार वालों चोण कमिश्नर नियुक्त करन ते सरकार की जवाब तलबी की है और उन्होंने शक जाहिर किया कि यह जिहड़ी नियुक्ति है बड़ी तेजी नाल की गई है और इन्नी काहली की जरूरत की सी। उन्होंने यह भी कहा है कि सानू यह सारा मामला जिहड़ा बड़ा शक्की जापदा, जबकि अटॉर्नी जनरल ने अपने वालों बयान दिता या उस दे स्पष्टीकरण भी दिते ने, पर सुप्रीम कोर्ट ने मन्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइल तलब कर ली है जिस दे मतलब मुताबिक अरुण गोयल होरां नूं जी अपने कमिश्नर चोण कमिश्नर नियुक्त किया गया। हुण सवाल यह है कि यह पहली बार होया जब सुप्रीम कोर्ट ने चोण कमिश्नर की नियुक्ति संबंधी शक जाहिर किया और इहदे नाल सरकार का रंग फक हो गया, कारण की है? गल यह है कि जदों भी कोई चोण अमल हुंदा है, हुण तुहानूं पता ही है कि 2024 दे विच पार्लीमानी चोणां जिहड़ियां ने बड़ी तेज़ी नाल नज़दीक आ रही ने, और उस तो पहलां चोण कमिश्नर नूं नियुक्त करना और वह भी बड़ी काहली नाल, इह वाकई शक्की मामला है। जिहड़ा भारतीय चोण कमिश्न है वह हर चोण अमल नूं मतलब पूरा करदा है, कित्थे कित्थे किहड़े किहड़े थावां दे उत्ते चोणां होणगियां, किन्ने उत्थे मतलब बूथ बणनगे, किनों किनों उत्थे लाया जाएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिहड़ा कदों लागू होगा और उहदे की नियम होणगे, यह सारियां गल्लां पहलां तय कर लईआं जांदियां ने। हर एक चोण कमिश्नर की भूमिका भी निर्धारित कर दी जाती है, क्योंकि चोणां बड़ी तेज़ी नाल नेड़े आ रही ने, इस करके सरकार चाहती है कि उही व्यक्ति चोण कमिश्नर जां मुख चोण कमिश्नर दे अहुदे ते तैनात किए जाण जिहड़े सरकार की बोली बोलन और सरकार का पक्ष पूरन। आपनूं याद होगा कि पिछलियां पार्लीमानी चोणां दौरान बहुत सारिया ऐसिया शिकायतां आईयां सन कि जिहड़ियां असीं जदों वोट पाउने आ तां उह जिहड़ी पर्ची निकलदी है उसका मिलान किया जाए कि वाकई ही जिस बंदे ने वोट पाई है वह उस नूं ही वोट पाई है जिसनों उसने मतलब अपना उम्मीदवार समझे, लेकिन उसनों दरकिनार कर दिता गया कि वी पैट जिहड़ियां पर्चियां ने उन्हां दे नाल मिलान नहीं होएगा। सो यह गल सी इसनों पासे रखता। फिर बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि जिहड़ियां EVM मशीनां ने इन्हां नूं हैक किया जा सकता है और इन्हां नूं अपने मुताबिक चलाया जा सकता है और इन्हां दे विच पहले ही मतलब वो सारा कुछ किया जा सकता है जिहड़ा कि इवें लगे कि जी ये इन्नी वोटां पै गईआं तो वह सारा कुछ पहले ही लिया के रख दिता जाता है, यानी वोटिंग मशीनां वो होर हुंदियां ने जिन्हां विच लोग वोटां पाउंदे ने ते जिथों गिणती हुंदी है वह ऑलरेडी उत्थे लिया के रखियां हुंदियां ने। फिर इहो जिहियां भी खबरां सन कि बहुत गिणती विच वोटिंग मशीनां ने जिहड़ियां वह जिहड़े स्ट्रोंग रूम बनाए हुंदे ने जिथे रखियां हुंदियां ने उत्थों ट्रक च किसी दूसरी थां ते लिजाईआं जा रहीआं ने। इह सारीआं गल्लां जदों चोण कमिशन दी मतलब नज़र च लियांदियां गईआं तां चोण कमिशन ने स्पष्ट इनकार कर दिता इस ते सुनवाई करनों कि यह सारियां जिहड़ियां गल्लां बातां ने इह एवें झूठ फैलाया जा रहा है, इहदे च कोई मतलब तंत नहीं है, बड़े सुचारू ढंग नाल अमन अमान नाल जिहड़ा चोणां दा अमल है वह नेपरे चढ़िया, क्योंकि उस वेले भी जिहड़ा कुछ सी भारतीय चोण कमिशन च वह सारा सरकार पक्षी सी और हुण भी उही कवायद शुरू की गई है जिसका कि बड़ा गंभीर नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया। भारतीय चोण कमिशन जिहड़ा है वह एक संविधानिक संस्था है, उहदे विच सरकार की वैसे दखल अंदाजी नहीं हो सकती, सरकार चोण कमिश्नर नूं नियुक्त करती है, मुख चोण कमिश्नर नूं नियुक्त करती है, पर यह देखण तो बाद कि वह वाकई निरपक्षता नाल अपने कार्य नूं अंजाम देणगे, लेकिन हुण उहो जिहा वक्त नहीं रहा, हुण जो सरकार चाहुंदी है उही हुंदा, उहनां दे मुताबिक ही मतलब पिछे जे तुसीं वेख्या होणा कि सुप्रीम कोर्ट दे कोलेजियम जिहड़ी है उन्होंने बहुत सारे जजां दे नाम जिहड़े सी उह केंद्र सरकार नूं भेजे सी कि इन्हां नूं असीं जज नियुक्त करांगे, पर उहदे विच लोड़ों वध देरी हो गई जिहदे ते सुप्रीम कोर्ट ने फिर सवाल उठाया कि की हो रहा, मतलब जो कोलेजियम ने कहता है उस ते अमल क्यों नहीं किया जा रहा और इन्नी देर क्यों लाई जा रही है जबकि जजां दी बहुत पहलां ही थोड़ा है। सो गल इह है कि सरकार अपनियां कठपुतलियां नूं हर संविधानिक संस्था दे विच तैनात करन लई काहली है ता जो लोकतंत्र आ जिहड़ा उहदा कोई मतलब मकसद ना रह जाए। तुसीं इस बारे की कहना चाहोगे? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक ते जिहड़े लिंक्स हेठां डिस्प्ले हो रहे हैं उन्हां ते साडे नाल सांझ पाओ और राजमहल TV दे यूट्यूब चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो। धन्यवाद।